हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अमेजिंग एंटरटेनमेंट। साथियों नमस्कार, आज 11 जुलाई 2021 पीएसएल पीटी द्वारा एक अहमदाबाद मीटिंग रखी गई है। इसमें राष्ट्रपति महोदय, सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ साथ 7 जगह हम लोगों ने एप्लीकेशन तैयार की है। तो उसमें खास करके संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पे कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े हुए हैं, क्योंकि आज 22 अगस्त 2014 के से लेके आज तक लगभग 7 साल के समथिंग होने आया है। तो बहुत ही कम मात्रा में आरएम लोढ़ा कमेटी द्वारा पैसा लोगों को दिया गया है। तो ऐसा क्या रीजन है कि इतना लंबा टाइम निकलने के बाद में नाम मात्र पैसा लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं? तो उसमें ये एप्लीकेशन में वो इसी संबंधित से ये जिक्र किया गया है कि आखिर ये दोनों आ कहाँ से, संबंधित जो संवैधानिक संस्थाएं हैं अगर वो चाहे तो इसमें कोई ज्यादा लंबा टाइम नहीं निकल सकता, क्योंकि पीएसएल की लैंड है ना, वो प्रॉपर्टी बहुत है इंडिया के अंदर, लेकिन थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टी है ना वो सीबीआई द्वारा जब्ती में लिया गया है, जो आरएम लोढ़ा कमेटी में अटैच करवाई गई है। 11,706 करोड़ की जो लैंड परचेज प्राइस है, जो लैंड है वो आरएम लोढ़ा कमेटी के हाथ में अटैच किया गया है, और लायबिलिटी मोटे मोटे गिने तो लगभग मूलधन है तो 65,000 करोड़ रुपये होते हैं। तो 11,706 करोड़ की लैंड से, और अगर 65,000 करोड़ का ब्याज साथ 3 लाख करोड़ रुपये होते हैं, तो किस तरह से उन लोगों को ये डिवाइड किया जाएगा, बांटा जाएगा, वो एक सोचने वाला विषय है। तो हम लोगों को ये सीधा प्रश्न चिन्ह ये संवैधानिक संस्थाओं पे खड़ा किया गया है कि आप इतना बड़ा स्कैम हुआ इंडिया के अंदर, इतना बड़ा एक फ्रॉड हुआ पब्लिक के साथ में, 6 करोड़ कस्टमर के साथ में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, तो आप आँख बंद करके कैसे रह सकते हैं? इसमें आम जनता प्रभावित हुई है, ऐसा कोई गांव, मोहल्ला, ऐसा कोई घर नहीं है जिसका पैसा पीएसएल या फिर इसकी एसोसिएट कंपनी है उसमें नहीं डुबा हुआ। तो ये गवर्नमेंट या फिर जो भी राष्ट्रपति महोदय हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, एमसी हैं, तो इनकी नज़र में ये चीज़ इतनी बड़ी क्यों नहीं हो रही है? मेरे हिसाब से ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम था। तो इस तरह को इसको लाइटली क्यों लिया जा रहा है? तो ये बहुत ही मतलब गंभीर विषय है, और हमारे द्वारा ये एप्लीकेशन लगाई जा रही है 7 जगह। तो उसमें हम उम्मीद करते हैं कि इस पर ज़रूर ये जो संवैधानिक पद है जिस पर लोग आसीन हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो जरूर इस पर गंभीर विचार करेंगे, और एक गरीब जो आवाम है, गरीब जो लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, उनके ये दुख दर्द शायद समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर ये चीज़ दर्शाई गई है। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के जो भी पीएसएल पीड़ित, जहाँ भी जो भी स्टेट में है, जो भी कोने में है, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी अपनी जगह इस तरह से एप्लीकेशन लगाएं। ये अपना राइट है, ये इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में अपने का पूछने का अधिकार भी है, क्योंकि कानून इन संस्थाओं के द्वारा, इन लोगों द्वारा कानून बनाया जाता है। तो पीएसएल को मैटर के लेके ये कानून इतना लूज क्यों हो गया, ये नकामा क्यों हो गया? कानून तो बहुत है इंडिया में, और उनको लागू करना, उनके निरंतर कानून को दायरे में लेकर निरंतर कार्रवाई करना, ये सभी इन संस्थाओं या फिर इनके पद पर जो आसीन लोग हैं उनका कर्तव्य है। तो आज वो ये चीज़ को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? तो ये इन पे आरोप लगाया जा रहा है, और मेरे हिसाब से या मेरे साथियों के हिसाब से ये बिल्कुल सही है, और अपने को इस तरह से हमें एप्लीकेशन लगानी चाहिए। सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि पीएसएल की लैंड है ना, वो प्रॉपर्टी बहुत है इंडिया के अंदर, लेकिन थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टी है ना वो सीबीआई द्वारा जब्ती में लिया गया है, जो आरएम लोढ़ा कमेटी में अटैच करवाई गई है। 11,706 करोड़ की जो लैंड परचेज प्राइस है, जो लैंड है वो आरएम लोढ़ा कमेटी के हाथ में अटैच किया गया है, और लायबिलिटी मोटे मोटे गिने तो लगभग मूलधन है तो 65,000 करोड़ रुपये होते हैं।
तो 11,706 करोड़ की लैंड से और अगर 65,000 करोड़ का ब्याज खत्म 3 लाख करोड़ रुपये होते हैं तो किस तरह से उन लोगों को ये डिवाइड किया जाएगा, बांटा जाएगा, वो एक सोचने वाला विषय है। तो हम लोगों को ये सीधा प्रश्न नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पे खड़ा किया गया है कि आप इतना बड़ा स्कैम हुआ इंडिया के अंदर, इतना बड़ा एक फ्रॉड हुआ पब्लिक के साथ में, 6 करोड़ कस्टमर के साथ में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ, तो आप आँख बंद करके कैसे रह सकते हैं? इसमें आम जनता प्रभावित हुई है, ऐसा कोई गांव मोहल्ला ऐसा कोई घर नहीं है जिसका पैसा PSL या फिर इसकी एसोसिएट कंपनी है उसको नहीं डुबा हुआ। तो ये गवर्नमेंट या फिर जो भी राष्ट्रपति महोदय है, सुप्रीम कोर्ट है, MC है, तो इनकी नज़र में ये चीज़ इतनी बड़ी क्यों नहीं हो रही है? मेरे हिसाब से ये इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम था, तो इस तरह को इसको लाइटली क्यों लिया जा रहा है? तो ये बहुत ही मतलब गंभीर विषय है और हमारे द्वारा ये एप्लीकेशन लगाई जा रही है 7 जगह, तो उसमें हम उम्मीद करते हैं कि इस पर ज़रूर ये जो संवैधानिक पद हैं जिस पर लोग आसीन हैं, संवैधानिक संस्थाएँ हैं, वो जरूर इस पर गंभीर विचार करेंगे और एक गरीब जो आवाम है, गरीब जो लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, उनके ये दुख दर्द शायद समझने की कोशिश करेंगे इसके अंदर ये चीज़ दर्शाई गई है। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के जो भी PSL पीड़ित जहाँ भी जो भी स्टेट में है, जो भी कोने में है, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी अपने जगह इस तरह से एप्लीकेशन लगाएं। ये अपना राइट है, ये इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में अपने का पूछने का अधिकार भी है, क्योंकि कानून इन संस्थाओं के द्वारा, इन लोगों द्वारा कानून बनाया जाता है। तो PSL को मैटर के लेके ये कानून इतना लूज क्यों हो गया, ये नकामा क्यों हो गया? कानून तो बहुत है इंडिया में और उनको लागू करना, उन पर निरंतर कानून को दायरे में लेकर निरंतर कार्रवाई करना, ये सभी इन संस्थाओं या फिर इनके पद पर जो आसीन लोग हैं उनका कर्तव्य है। तो आज वो ये चीज़ को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? तो ये इन पे आरोप लगाया जा रहा है और मेरे हिसाब से या मेरे साथियों के हिसाब से ये बिल्कुल सही है और अपने को इस तरह से हमें एप्लीकेशन लगानी चाहिए। सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये एप्लीकेशन बहुत ही जोर अच्छी चीज़ है और हमें हर जगह से ये चीज़ 7 डिपार्टमेंट में लगानी चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरी वाणी को विराम दूंगा। बाकी आप सभी लोग समझदार हैं और पैसा पड़े सबको ही लेना है, किसी एक आदमी का काम नहीं है, 6 करोड़ से निवेशक है, सबका ही काम है। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। काटने का कैसे है?